बात किया या मोटर ऑटो की बात किया आपने, चाहे वो टैक्सी में चलने वाले टैक्सी हो या तीन पहिए ऑटो हो, निश्चित रूप से गैस की कीमत जब बढ़े हैं तो ऑटो चालकों के द्वारा और टैक्सी में चलने वाली गाड़ियों के द्वारा वो समय समय पे प्रदर्शन करके अपना विषय तो रखने का काम किया है, रखने का उनको अधिकार रखना भी चाहिए, लड़ाई उनकी उचित है। उस लड़ाई में मैं भी स्वतः गया हूँ, उनके पक्ष को मजबूती से रखने का काम किया हूँ। लेकिन जब कहीं ना कहीं हमें भी सफ़र करना होता है और ऑटो चालकों के द्वारा डेढ़ गुने पैसे मांगे जाते हैं, जहाँ का मीटर चार्ज 100 रुपया बन रहा हो 150 से 200 रुपये तक की मांग करते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ एक तकलीफ महसूस होती है। लड़ाई में हम भी आपके साथ शामिल हैं, आपकी मांग को लेकर के हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन आम जनता के साथ, उसमें बीमार लोग भी हैं, मजबूर लोग भी हैं, परेशान लोग भी हैं, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार वो शायद निंदनीय है, जो मुझे लगता है कि वो अच्छी बात नहीं है। हमने ऑटो चालकों से भी आग्रह किया है कि आपकी ताकत अलग अलग संगठन के माध्यम से ताकत बटी हुई है, मांग आपकी जायज़ है, लेकिन लड़ाई लड़ने की ताकत में आप बिखरे हुए हैं। अनदेखी जो की जा रही है, जब गैस की कीमत बढ़ाया गया, दिल्ली सरकार भी इससे वाकिफ है, तो ऑटो चालकों का भी मीटर रेट जो होना चाहिए किलोमीटर का, जो सरकार ने तय किया है, उस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए, करना होगा, और ऑटो चालकों को एक न्यूनतम जो रेट है वो तय करें, ताकि वो गरीब भी ना मरे। गाड़ी की किस्त देनी होती है, परिवार उन्हीं से चलता है, तो ना वो लूटे ना आम जनता के साथ लूटमारी हो। कितना